नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोदी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, राहुल ने कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा, देश में बढ़ाई जा रही है कोरोना टेस्ट की संख्या, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बताया कोरोना से निपटने के मॉडल, अब घर बैठे अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग की आरती देख पाएंगे लोग, 10,000 बेड वाला कोरोना केयर सेंटर बनकर दिल्ली में तैयार, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, देश के राष्ट्रपति को सुनाई गई 11 साल की सजा, फ्लिपकार्ट पर बिग सेल में मिल रहा है भरपूर डिस्काउंट, ज्यादा देर तक स्मार्टफोन चलाने की आदत से हो सकते हैं जल्द बुढ़े, इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि सभी फायदेमंद खबरों से आप रह सकें अपडेट। किर्गिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अलमाज बेक अतांबायेव को 11 साल 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल अदालत ने अतांबायेव को जेल में सजा काट रहे एक शख्स को रिहा करने का जिम्मेदार पाया है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने इस सजा का खंडन किया। भारत ने घोषणा की है कि वह अगले 2 साल में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी में $1 करोड़ का योगदान देगा। इसके आगे भारत ने कहा है कि प्रशिक्षण और अस्थायी संस्थानों के निर्माण के माध्यम से क्षमता वृद्धि फिलिस्तीन के लिए विकास का एक प्रमुख माध्यम है। चीन से चल रहे सीमा मामले के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे लॉकडाउन और कोरोना के बीच परेशान मजदूरों और एमएसएमई सेक्टर को काफी लाभ दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना के मामले और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कोरोना के मामले बढ़ने और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। भारत में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए, जो एक दिन में हुए सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड है। आईसीएमआर के अनुसार देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता इतनी बढ़ाई गई है कि अब एक दिन में 3 लाख टेस्ट किए जा सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा कोरोना को लेकर निकाले गए समाधान पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को एक कोरोना से निपटने की राह दी है, लेकिन नियम के अनुसार इसे सबसे पहले आयुष मंत्रालय से परमिशन लेना होगा। इसके आगे उन्होंने कहा, हमें रिपोर्ट भेजी गई है, पहले हम इसे देखेंगे और रिपोर्ट देखने के बाद इसे अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है, जहां इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के इलाज के 2 मॉडल हैं, एक केजरीवाल का और दूसरा अमित शाह का। सिसोदिया ने कहा कि अमित शाह वाले मॉडल में कोरोना मरीज को क्वारंटाइन सेंटर में जाना होगा, वहीं उनकी जांच होगी, लेकिन केजरीवाल के मॉडल में दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम घर जाकर कोरोना मरीज की जांच करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिससे लोगों को कम परेशानी हो। कोरोना के चलते इस साल अब तक वेसक अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई हो, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश विदेश के शिव भक्तों के लिए इस साल एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत बाबा बर्फानी के भक्त अब घर बैठे अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग की आरती देख पाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए बोर्ड ने विश्व भर में भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बाबा बर्फानी की सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां इस बीच आईटीबीपी की टीम ने राधा स्वामी व्यास छतरपुर में 10,000 से भी ज्यादा बिस्तर वाले प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर को नोडल एजेंसी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के इस विशालतम कोविड केयर सेंटर की शुरुआत 26 जून से होने जा रही है। बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली है और अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। इस बीच भाजपा ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय प्रकाश और सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज प्रदेश के सभी भागों में मानसून पहुंच चुका है। गौरतलब है कि बीते साल प्रदेश में मानसून 2 जुलाई को 5 जिलों में आया था, जबकि इस साल 8 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कोरोना के दौरान राशन वितरण में राजस्थान अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले स्थान पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश में 44,600 मैट्रिक टन गेहूं, 2,236 मैट्रिक टन चने का आवंटन किया गया है, जिसमें से अभी तक 42,478 मैट्रिक टन गेहूं व 1,911 मैट्रिक टन चने का वितरण किया जा चुका है। यूपी के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में अब राज्य की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को आने वाले 3 महीनों के लिए मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाए। जानकारी के मुताबिक सुशील मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर कहा कि इससे आने वाले महीनों में भी गरीबों को मुश्किल हालात से निकलने में सहायता मिलेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य एवं सामान्य बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की अनुमति दे दी है, जिसमें कोविड-19 कवर भी शामिल है। इसको लेकर IRDA ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य कोरोना के इस समय के दौरान विभिन्न वर्ग के लोगों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे की शुरुआत हो गई है, जहां ये सेल 5 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि इस सेल में स्मार्टफोन के साथ साथ एसेसरीज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा गेमिंग लैपटॉप स्मार्ट वॉच पर भी शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने से DNA में बदलाव आने लगता है और इससे उम्र से पहले ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए अगर आप भी अधिक स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने से बचें। नौकायन के 22 जूनियर खिलाड़ियों के डोप परीक्षण में विफल होने के कारण शर्मिंदगी का सामना कर रहे भारतीय नौकायन संघ ने कहा है कि ऐसा फूड सप्लीमेंट के कारण हुआ है। RFI के महासचिव MV श्रीराम ने कहा है कि भारतीय शिविर में शामिल जूनियर खिलाड़ियों के फूड सप्लीमेंट की जांच की जाएगी। अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई भतीजावाद हर जगह है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही है। इसके साथ ही सोनू ने कहा कि दर्शक ही है जो हमें बताते हैं कौन काम करेगा और कौन फिल्म इंडस्ट्री में रहेगा। यह फिल्म बनाने वाले तय नहीं कर सकते, ये आपके हाथों में है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि उनकी तबीयत में सुधार हो रही है और वो जल्द ही डिस्चार्ज हो सकती हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।